पंचायत चुनाव को लेकर मधेपुरा व बनमनखी एसडीपीओ के द्वारा मुरलीगंज में सीमावर्ती इलाके के थाना अध्यक्षों के साथ की गई बैठक। आगामी पंचायत चुनाव में शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त माहौल में मतदान संपन्न कराने के लिए मधेपुरा एसडीपीओ अजय नारायण यादव एवं पूर्णिया जिले के बनमनखी एसडीपीओ कृपा शंकर आजाद के द्वारा मुरलीगंज थाना परिसर में संयुक्त रूप से सीमावर्ती इलाके के थाना अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीपीओ अजय नारायण यादव ने कहा कि मतदान के दिन हमारे सभी सीमावर्ती इलाके को सील किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए सीमावर्ती इलाके के थाना अध्यक्षों को अंतर जिले अपराध कर्मियों को चिन्हित कर जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजने का निर्देश दिया गया है। आगामी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर हम लोग सभी अपने निकटवर्ती और जो हमारे सीमा क्षेत्र के एसडीपीओ हैं, थाना अध्यक्ष, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। और इसमें मेन फोकस हमारा है कि जो अपराधी हमारे यहाँ के हैं और अपराध करते हैं दूसरे क्षेत्र में, या उनके क्षेत्र के जो अपराधी हैं वो अपराध करके हमारे यहाँ शेल्टर लेते हैं, इनकी सूचियों के आदान प्रदान की गई है ताकि अभियान चलाकर हमें सभी को गिरफ्तार करेंगे। दूसरा चीज़ है कि इलेक्शन के दिन हम लोग बॉर्डर को सीलिंग सील करेंगे ताकि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं फैले और ना किसी तरह का फिल्ट्रेशन हो बैड एलिमेंट।